हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लैपटेक्स में। मेरा नाम दिलदार खान है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम एक नई इनोवेटिव सीरीज लाने वाले हैं क्वेश्चंस की, तो उसी के तहत हमने जो सीरीज बनाई है क्वेश्चंस की, उसमें से एक सीरीज जो है वो हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि इसमें क्या कैटेगरीज होंगी विनर्स की और विनर्स कैसे डिसाइड होंगे और इसमें क्या डूज एंड डोंट्स होंगे जो आपको इस कंपटीशन में हेल्प करेंगे पार्टिसिपेट करने में और डिस्क्वालीफाई होने में, जो पॉइंट्स है जिसको आपको फॉलो नहीं करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आज आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट नासिर सर। तो नासिर सर बताइए इसमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं और क्या कैटेगरीज हैं प्राइजेस के, वो सारे चीज आप अभी एक्सप्लेन करके बताइए। जी बिल्कुल दिलदार, जैसा आपने बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो चलिए अपने व्यूअर्स को बता दें हम कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो करना है उस बात को आप ध्यान में रखें ताकि ऐसा नहीं हो कि आप डिस्क्वालीफाई कर जाएं। तो आपको क्या करना है, YouTube के कमेंट बॉक्स में जा करके आपको लिखना है अपना नाम, वहां पर आपको अपना नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर देना है और लिखना है आई हैव आंसर्ड या यस लिख दीजिए। उसके बाद आप दिए हुए नंबर पर आप आंसर दे सकते हैं जी। वहां पर मैंने एक अपना भी नंबर दे रखा है और एक दिलदार सर का भी नंबर दे रखा है, तो बेहतर है कि आप आंसर पर्सनली करें, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि ये दूसरे के लिए चीटिंग होगी। जी जी, फेयर प्ले होना चाहिए कि जो आप आंसर कर रहे हैं वो किसी और को पता ना चल जाए या किसी को हिंट ना मिल जाए, जिससे कि कंपटीशन जो फेयर ना रह जाए। तो इस हिसाब से ये जो है बहुत अच्छी पॉइंट है कि आप जो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखें ताकि आपको हम आपको पहचान सके कि किसने आंसर किया है, और जो यूट्यूब पे लिखेगा वही क्वालिफाइड होगा विनर्स की कैटेगरीज में, नहीं तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे कि वो विनर है या नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और डोंट्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे व्यूअर्स को नहीं करना चाहिए ताकि वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। जी बिल्कुल दिलदार, डोंट्स में आप किसी भी हालत में यूट्यूब के ऊपर जाकर के आंसर मत करिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे लोगों को पता चल जाएगा, हिंट मिल जाएगा, तो ये फेयर होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये अनुरोध करता हूँ कि आप पर्सनली आंसर दीजिए और सिर्फ वहां पर एक्नॉलेज कर दीजिए कि हाँ मैंने आंसर दे दिया है। जी, और इसकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे कि आपका आंसर करेक्ट है या ट्राई अगेन, तो ये हमारा जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको यूट्यूब पे अपडेट हो जाएगा, तो इसके लिए आप वरी ना हो। पर आपको जो आंसर है वो हमें पर्सनल नंबर पे ही व्हाट्सएप या टेलीग्राम से भेजना है ताकि हम आपको कंसिडर कर सकें, आप उसे उस पर जो है ना दें, आप यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और जो सिलेक्शन होगा यूट्यूब के ऊपर से वो रेंडमली होगा जी, चूंकि प्राइस बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो हमारा मुहिम है क्वेश्चन सीरीज का, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम अपने नॉलेज को एनहांस कर सके और अपने आप को बूस्ट अप कर सके नया सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर हम ये जो कोई हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका, इसमें हमारा जो मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपने आप को एनहांस और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, जो हमारा नॉलेज का लेवल है उससे हम जहां पर हैं अभी उससे ऊपर जाना है हमें, तो इसमें जो हमारी इनोवेटिव ये कुछ क्वेश्चन सीरीज है ये आपको हेल्प करेगी, तो हमें उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और नासिर सर आप ये हमें बताइए कि इसमें जो कैटेगरीज हैं प्राइजेस की वो क्या क्या कैटेगरीज हैं और क्या क्राइटेरिया है उन कैटेगरीज को फुलफिल करने का विनर्स के। जी बिल्कुल दिलदार, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताऊंगा कि जिसके दो आंसर सही होंगे उसे ये मल्टीमीटर दिया जाएगा यूनिट का। ये आप देख सकते हैं यूनिट का मल्टीमीटर है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो ये मिलेगा उसे जो दो क्वेश्चन का सही जवाब देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और जिसके तीन जवाब सही होंगे उसे कॉम्बो पैक दिया जाएगा हॉट गन और आयरन का, ये यहाँ पर रखा हुआ है। और जिसके चार के चार सवाल, चूंकि चार सवाल वहां पर पूछा गया है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके चारों सवाल के जवाब अगर दुरुस्त होंगे उसे ये यूनिट का 100 मेगाहर्ट्ज़ का सीआरओ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमारा अल्टीमेट विनर होगा। जो अल्टीमेट विनर होगा जी बिल्कुल सही। तो ये सिलेक्शन है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर दिलदार मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बस एक इनकरेजमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल इनकरेजमेंट है, ताकि वो ये बात समझे कि अगर वो ये नॉलेज गेन कर लेते हैं कि हम स्कीमेटिक को कैसे रीड करते हैं, क्या क्या सिग्नल रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उनके लिए। बिल्कुल सही बात है,
ये यहाँ पर सही कहा है इन्होंने कि हमारा मोटो जो है वो ये नहीं है कि आप कोई प्राइज जीत जाएं या आप क्वेश्चन का आंसर दे दें। आपका हमारा ये मोटो है कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप किस लेवल पे हैं और आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। आपकी हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट हो। ये जो हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग का इको सिस्टम है ये हमारा फिर से चार्ज हो जाए, बूस्टअप हो जाए, ताकि हम इसे इम्प्रूव करें और हमारा देश भी इससे तरक्की कर सके। जी बिल्कुल दिलदार, एकदम सही फरमाया आपने। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत सारा फीडबैक भी मिला है हमें पिछले वीडियो में, जिसके लिए हम दोनों जो है तहे दिल से आभारी हैं आप लोगों के। बिल्कुल, हमारे पास भी आया है बहुत सारा फीडबैक। हाँ, और लोग जो है काफी ईगरली वेट कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन क्या होगा। तो आई थिंक आज ही वो डे है कि जब हम अपना क्वेश्चन रिलीज कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए और कमेंट लिखते रहिए। तो हमें आपकी फीडबैक की भी जरूरत पड़ेगी कि वो ये जो क्वेश्चन है इसका पैरामीटर कैसा है। जी जी जी, यहाँ पर हमें और ज्यादा कुछ एनहांस करने की जरूरत है क्वेश्चन में, या इसको थोड़ा सा डिग्रेड करने की जरूरत है। तो ये डिपेंड करेगा आपके आंसर के ऊपर। जी बिल्कुल, तो तमाम व्यूअर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर के जवाब दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि तमाम इंडिया तक ये पहुंचे और वो लोग इस बात को जान पाए, इवैल्यूएट कर पाए कि वो कितनी नॉलेज रखते हैं और कितनी और जानने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अगर चार के साथ कंपटीशन कर रहे हैं या चार लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो आप पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। जब आप पूरे इंडिया के साथ कंपटीशन करें, क्योंकि ये जो क्विज है ये ऑल ओवर इंडिया सबके पास जा रहा है, तो आप ऑल ओवर इंडिया में अपनी स्टेटस को इवेल्युएट कर सकते हैं कि सबके साथ आपकी स्टेटस क्या है, आप कहां पर हैं। और ये हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये काफी मेहनत से सेलेक्ट किया है, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी पढ़ाते हैं। तो ये एक छोटा सा एक हमने पार्ट आपको आपके सामने डाला है ताकि आप समझ पाए कि जहां भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, और जो चीजें हम पूछ रहे हैं वो आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो आप लेवल और वो पैरामीटर फुलफिल हो रहा है उस इंस्टीट्यूट का, तो देन यू आर डूइंग वेल। तो यहां से आपको मैं समराइज करना चाहूंगा कि आप इसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। अभी जो हमारा क्वेश्चंस है वो अब इस वीडियो के बाद वो क्वेश्चंस आएंगे, और इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए, दोबारा आप देखिए, जितनी बार देखना चाहें आप देखिए। और एक चीज मैं बीच में नासिर से ये पूछना चाहूंगा कि इसके आंसरिंग की ड्यूरेशन क्या होगी, कितने दिन में इसका आंसर देना है? जी बिल्कुल दिलदार, एक महीने का टाइम मैंने दिया है। आई थिंक एक महीना बहुत ही काफी होता है, ताकि आप अगर कहीं पर सीख भी रहे हैं तो वहां पर ये बात की नॉलेज भी आप गेन कर ले। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में रहते हुए भी वो चीज जान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने इसका टाइम एक महीना रखा है। एक महीने के बाद ही विनर डिसाइड होगा। अच्छा, तो ये अच्छी बात है कि आपके पास इतना टाइम मिल रहा है, जो कि आप गूगल करें, कहीं सर्च करें, आपके पास पूरा फुल छूट मिला हुआ है आपको कि आप अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके अपने मास्टर से पूछ के आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इससे अच्छा इतना ओपन चैलेंज जो है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। पर इसमें हमारी हम क्या चाहते हैं, इस रिजल्ट क्या है कि आपका इन्वॉल्वमेंट हो और आप इसमें इंगेज हो, ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सके। हमारा अल्टीमेट मोटो बस यही है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो इनोवेटिव आइडिया है अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप पूरी देखने के बाद, जिसमें हमारा क्वेश्चन आने वाला है। अभी मेन पार्ट जो है वो हमारा जो क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है सबकी कि क्या क्वेश्चन होगा, क्या पोर्शन होगा, तो हमने वो क्वेश्चन अभी इसके बाद वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और मुझे उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन को, तो अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे आप पूरी तरीके से पढ़ें और अच्छे से समझें, उसके बाद उसका जवाब दें और इससे उसका फीडबैक भी दें कि वो क्वेश्चन का लेवल जो है वो कैसा है। अगर लो लेवल का होगा तो हमारे इम्प्रूवमेंट होगी उसमें, हम उसे इम्प्रूव करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे। और अगर उसमें क्वेश्चन ज्यादा लेवल का हो गया तो हम मॉडरेट करेंगे उसको, क्वेश्चन के लेवल भी घटाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सेम लेवल के क्वेश्चन हम और भी डालते रहें, तो हमें यह भी कमेंट करके बताएं कि इसी लेवल के क्वेश्चन आपको और भी आगे चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है क्वेश्चंस पार्ट का, ये आपको अच्छा लगा होगा। और इस पूरे वीडियो को अभी देखिए आप, और सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके इसका आंसर दीजिए। सेम चीज आपको क्वेश्चंस के एंड में भी पता चलेगा कि कैसे आंसर देना है इसको। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लाइक ना भी करें तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ही पहुंच पाए और सब इसमें इन्वॉल्व होकर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम उस क्वेश्चन की जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला बोर्ड मैंने रेफरेंस के लिए लिया है कॉन्टा R62 का, और ये HP15 का बोर्ड होता है। आप इसकी चार्जिंग आईसी खोल लीजिए, PU5 BQ24 738 लगी है। इसके AC डिटेक्ट पर कितनी वोल्टेज आती है, अगर
एडप्टर एयर की वोल्टेज आती है तब, और दूसरा क्लॉज इसमें यह है कि एडप्टर एयर की वोल्टेज अगर यहाँ पर नहीं पहुँचती है तब हमें कितनी वोल्टेज यहाँ पर मिलती है और कैसे। यहाँ पर आपको ये सिर्फ नहीं बताना है कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज बनती है, बल्कि आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्यों और कैसे वोल्टेज मिल रही है। मैंने आपको दोनों क्लॉज बता दिया है। एडप्टर एयर की वोल्टेज अगर यहाँ पर पहुँच जाती है तो कितनी वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी, और एडप्टर एयर की वोल्टेज अगर नहीं मिलती है यहाँ पर तब आपको कितनी वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी और कैसे। दोनों कंडीशन का कैसे का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये मैं बता देता हूँ आपको रेफरेंस के लिए कि एडप्टर एयर की वोल्टेज आपकी वी ए वोल्टेज से आ रही है, यानी ये 18 वोल्ट है जो एडप्टर की वोल्टेज होती है, ये वोल्टेज है। यहाँ से एक डिवाइडर लगा हुआ है तो करीब 2 या 2.5 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। ये 2 से 2.5 वोल्ट यहाँ पर आती है। पावर SRC आपकी बोर्ड की कॉमन सोर्स वोल्टेज है जो एडप्टर की वोल्टेज होती है, तो 18 वोल्ट के करीब आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और VAD वोल्टेज भी 18 वोल्ट आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर सारा DC जैक लगाया आपने, तो VA की वोल्टेज भी यहीं पर है, VAD भी यहीं पर है, पावर SRC भी यहाँ पर है। यहाँ पर तो कन्फर्म हो गया, ये भी 18 वोल्ट है, ये भी 18 वोल्ट है, और ये आपकी जो डिवाइडर कैलकुलेशन करेंगे ये वाली वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी। तो कंडीशन ये बतानी है आपको कि एडप्टर एयर नहीं आएगी तो कितनी वोल्टेज मिलेगी और कैसे, और एडप्टर एयर की वोल्टेज अगर आ जाती है तब कितनी वोल्टेज मिलेगी और कैसे। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3-5 के रिगार्डिंग है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को YouTube पर बता दिया है। तो आइए आप जानते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है जो 3-5 के रिगार्डिंग मैं पूछने वाला हूं। तो दरअसल ये 3-5 का क्वेश्चन नहीं है, ये 5537 का बोर्ड है, ये डेल 5537 का बोर्ड है, डेल 3537 भी होता है, पार्ट नंबर LA-9981 या LA-9982 का बोर्ड हो सकता है। यहाँ पर आपको अनेबल EN की वोल्टेज आपको दिख रही है, जो 3-5 अनेबल होगी इसके लिए 20 नंबर पिन और 6 नंबर पिन यहाँ पर डेडिकेटेड है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये अनेबल यहाँ तक कैसे पहुँच रही है। मेरा यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि ये अनेबल आपकी कंट्रोलर IO से आ रही है, आप इसको सर्च करके देखेंगे तो ये पीछे कंट्रोलर IO से आ रही है, लेकिन कंट्रोलर IO को एक्टिव होने के लिए उसकी VCC वोल्टेज ज़रूरी है, जो कि यहाँ से निकल रही है, यानी यहाँ से मिल रही है। आप बोर्ड में सर्च करेंगे तो जब आप पीछे की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि मेरा क्वेश्चन क्या था। यहाँ से हम अनेबल को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, किसी भी अनेबल को कर लीजिए कॉपी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं EC ऑन की एक सिग्नल आ रही है और ये आगे चल करके डिसेमिनेट हो जा रही है, 3 के लिए अलग और 5 के लिए अलग हो जा रही है। और अगर हम पीछे की तरफ आते हैं EC ऑन, तो EC ऑन को जब हम कॉपी करेंगे तो हम देखते हैं कि ये कंट्रोलर IO से आ रही है, तो कंट्रोलर IO के 112 नंबर पिन से ये आ रही है और ये यहाँ से निकल करके 3-5 की IC को एक्टिवेट करने के लिए जा रही है। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ VCC और VDD जो लिखा हुआ है इसका, यानी जो सप्लाई वोल्टेज होती है, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी IC जब तक उसको VCC या VDD नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करती है। तो यहाँ पर इसकी जो VCC या VDD ली गई है वो 3.3 ऑलवेज वोल्टेज होती है। तो अगर हम पीछे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो VCC और VDD की वोल्टेज है ये हमारी 3-5 की IC से ही आ रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर 3-5 की IC VCC बन के जा रही है वहाँ, और जो कि अभी गई नहीं है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये अभी यहाँ पर पहुँची ही नहीं है, तो वहाँ पर 3.3 ऑलवेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3.3 ऑलवेज P लिखा हुआ है। ये 3.3 ऑलवेज P एक
जम्पर पैड के पास लगा हुआ है और यहां पर वोल्टेज का नाम ट्रांसफर हुआ है 3.3 V ऑलवेज पी से 3.3 ऑलवेज में कन्वर्ट हुआ है और ये पीजेपी आपके बोर्ड में लगा होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि 3.3 ऑलवेज आपकी अभी कंट्रोलर आयो को नहीं मिली है तो कंट्रोलर आयो ये अनेबल कैसे निकालती है। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अभी अगर कंट्रोलर के पास ये वाली वोल्टेज नहीं मिली है, चूंकि 3.5 के पास ये अनेबल आएगी तब ये यहां से स्विच होगी, 3 के लिए ये अनेबल और 5 के लिए ये अनेबल आएगी जो कि ईसी ऑन के नाम से आ रही है, ये आएगी तब ये स्विच होकर के ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट निकालेगी। ये 3 वोल्ट यहां पर ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफर होकर के 3 वोल्ट ऑलवेज बन रही है और जो कि आयो के लिए वीसीसी बन के जा रही है। तो मुझे आपको आयो की रिक्वायरमेंट बतानी है कि आयो कैसे काम कर रही है, यानी आयो के लिए जो अभी इनपुट सिग्नल है वो क्या है और वो कैसे एक्टिव होगी, ये अनेबल निकालने के लिए कैसे एक्टिव होगी वो। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपको बताना है कंपाल का बोर्ड है ये NMA 272, काफी फेमस और काफी कॉमन मदरबोर्ड है एसओसी स्ट्रक्चर में। यहां से आपको बताना है मुझे कि आईसी का जो मार्किंग होगा बोर्ड के अंदर PU602 होगा और APL5930 एक रेगुलेटर लगी होगी और इस रेगुलेटर से यहां पर वोल्टेज ऑड हम देख रहे हैं 1.5 वोल्ट ऑड हो रही है। मुझे अगर यहां पर 1.8 वोल्ट चाहिए, मुझे बताइए कि उसका प्रोसेस क्या है। अगर मुझे यहां से 1.8 वोल्ट निकालना हो तो वो पूरा प्रोसेस मुझे बताना होगा आपको कि यहां पर 1.8 वोल्ट कैसे बनाते हैं। हालांकि ये बहुत ही आसान सवाल है, आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, आप रिपेयर करते हैं, आपका लॉजिक लेवल ठीक ठाक होना चाहिए तो आप इन सारे सवालों का सही सही जवाब दे देंगे। अगर आपको कुछ इसमें सीखना है तो आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे, आप मुझे जो भी आंसर है वो आप मुझे पर्सनली मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके आपको कम से कम वहां पर लिखना होगा आई हैव आंसर्ड। उसमें से मैं रेंडमली किसी का 3 लोगों का मैं नाम सेलेक्ट करूंगा, उसको मैं जो गिफ्ट की बात मैंने की है और जो भी ऑफर मैंने दिया है विनर के लिए वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो कि जैसे अगर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ कि आप कोई बोर्ड निकाल लीजिए और बोर्ड की ये वाली PQ4 निकाल करके मुझे यहाँ पर आंसर दे के बता दीजिए और यही PQ4 लगा करके भी मुझे आंसर बता दीजिए, ये चीटिंग होगी। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि इसका प्रोसेस भी बताना है मुझे, यानी कैलकुलेशन क्या है आपके पास इस तरह के लॉजिक को सॉल्व करने का, तो सारे का प्रोसेस मुझे चाहिए। एक तो ये कि इस यहाँ पर आपको बताना है कि एसी डिटेक्ट दोनों कंडीशन में कैसे बनेगी, एडाप्टर एयर के साथ और विदाउट एडाप्टर एयर के साथ कितनी बनेगी और कैसे बनेगी। यहाँ पर मैंने पूछा है 3.5 अभी नहीं निकली है, आयो के पास नहीं गई है, तो ये 3.5 की अनेबल कैसे एक्टिव हो रही है आयो से। और तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि APL5930 आईसी में जो ऑट हो रही है 1.5 की जगह पर अगर मुझे 1.8 वोल्ट बनाना पड़े तो क्या लॉजिक यूज किया जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन हमारे कलीग मिस्टर दिलदार खान आपसे पूछेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर एफर्ट करिए, क्योंकि एक कहावत है कि ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई, एटलीस्ट आप ट्राई करिए तो आपको सीखने को भी काफ़ी मिलेगा, तो इसलिए आपको एफर्ट ज़रूर करना चाहिए। और काइंडली आप जवाब देने के बाद यूट्यूब पर ज़रूर ये लिखिए कि आई हैव आंसर्ड, क्योंकि जो विनर होंगे उसका सिलेक्शन हम वहीं से करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलदार खान है और मैं एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। जैसा कि अभी मेरे कलीग ने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो और काफ़ी उन्होंने मेहनत की है उस लॉजिक को
समझने में, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं समझ रहा हूँ इस लॉजिक को तो और भी लोगों को इसे बताना चाहिए और उनसे उनकी नॉलेज को और इन्हांस करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वो तीनों क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आई होप आप उन तीनों क्वेश्चंस का जवाब दें और विनर के हकदार आप बने। जैसा कि मेरे कलीग ने बताया कि मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जीवन HP का 840 बोर्ड है। इसमें आप, मैंने चार्जिंग सेक्शन खोल रखा है, ये आपकी चार्जिंग सेक्शन है और ये इसकी चार्जिंग IC है। आप भी इसे, इस बोर्ड को खोल लें और आप पेज नंबर 5 पर चले जाएं, या आप U6000 टाइप करके आप सर्च करके भी देख सकते हैं तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे। ये आपकी लैंडिंग पेज होगी और यहाँ पर आप देखिए जो चार्जिंग IC यूज हुई है वो BQ24736 BQ24736 चार्जिंग IC यूज हुई है। ये QFN IC है, क्वाड फ्लैट विथ नो लीड्स। इसके बारे में हम लोग अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में डिटेल में डिस्कस किया हमने, इस टाइप की जितनी भी चार्जिंग IC होती है इसके इंटरनल लॉजिक क्या क्या हैं और ये कैसे काम करती है वगैरह वगैरह, वो जो हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल है हम उसमें डिस्कस करते हैं। बाकी अभी मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो इस सेक्शन के रिगार्डिंग है। ये जो आप देख रहे हैं ये AC डिटेक्ट का सेक्शन है। यहाँ पर ये पूरी सर्किटरी जो है ये कैसे काम कर रही है ये मुझे आपको बताना है। इसका जवाब आप मुझे देंगे कि ये सर्किट जो है कैसे काम कर रहा है। तो इसका इसका क्वेश्चन क्या है पहले ये आप जान लीजिए। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे 3 पावर सप्लाईज हैं। ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, ये हमारा अडेप्टर का पावर है और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये 3 सप्लाईज अवेलेबल हैं आपके पास, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके पास ये 3 सप्लाईज अवेलेबल हैं उस पे आपको बताना है कि अगर ये चार्ज रिसेट का जो सिग्नल है ये अगर प्रेजेंट होगा तो हमें इस पॉइंट पे अडेप्टर डिटेक्ट पे कितनी वोल्टेज मिलेगी, और अगर ये चार्ज रिसेट का सिग्नल जो है अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें इस अडेप्टर डिटेक्ट पे कितनी वोल्टेज मिलेगी। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये 3 पावर सप्लाईज अवेलेबल है हमारे पास तो उस केस में अगर चार्जिंग रिसेट हमारा अवेलेबल है तो अडेप्टर डिटेक्ट की वोल्टेज कितनी होगी, और अगर चार्जिंग रिसेट अवेलेबल नहीं है तो अडेप्टर डिटेक्ट की वोल्टेज कितनी होगी। आपको सिंपली ये नहीं करना है कि मदरबोर्ड आपने निकाला और उसमें मल्टीमीटर से इस पॉइंट पे वोल्टेज आपने मेजर किया और बता दिया कि इतनी वोल्टेज है इस पॉइंट पे। दैट इज नॉट व्हाट आवर मोटो इज। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे होगी ये देखना चाहते हैं। कितने लोगों को ये पता है कि इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन कितनी होगी, ये एग्जैक्टली कितना वोल्ट आएगा और उसका क्या प्रोसीजर है, वो सारे प्रोसीजर के बाद ही मैं अज्यूम करूंगा कि आपको ये पता है यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है जब ये प्रेजेंट है और यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है जब ये एब्सेंट है। तो इन दोनों केसेस में आपको मुझे इसका पूरा कैलकुलेशन दिखाना होगा कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज होगी। तो आई होप कि आप इसका जवाब दे दें। और ये हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल का एक छोटा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसे लॉजिक कॉन्सेप्ट्स जो है आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में और भी ज़्यादा सीखेंगे, और इससे भी टिपिकल सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं और इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे हम लोग डील करते हैं। और अगर आप इन सारे चीज़ों की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो हमने प्रिपेयर किया है। काफ़ी मेहनत लगी हमें इसे प्रिपेयर करने में। मुझे उम्मीद है कि आप ये चारों क्वेश्चंस जो हमने पूछा है ये समझ गए होंगे और इसका आप जिम्मेदारी से जवाब देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका जवाब हम कैसे वैलिड मानेंगे। पहले उसके लिए आपको जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना होगा कि हाँ दैट आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे किसी भी के थ्रू आप मैसेज हमें कर सकते हैं। उसका एक्नॉलेजमेंट आपको तब मिलेगा जब हम यूट्यूब पे कमेंट करेंगे कि ओके करेक्ट, तो आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम आपके आंसर को एनालाइज करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे यूट्यूब कमेंट पे ही कि आपका आंसर सही है या गलत है। उसके बाद हम रैंडमली उसमें से विनर चुनेंगे और फिर वही विनर को आपने जो प्राइज देखा है हमारे बैनर पे वो आपको प्राइज मिलेगा। तो आई होप कि ये जो हमारा नया इनोवेशन है नॉलेज को बढ़ाने का और नॉलेज को बांटने का आपको पसंद आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके के और भी
कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन कीजिए, जो कि अभी हमारा ट्रेनिंग अभी कंटिन्यू भी है और अगला बैच भी आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन करेंगे और अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस मुहिम में नॉलेज को बांटने की आप भी हमारी हेल्प करें। थैंक यू।